हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज की क्लास में क्या करूँगा, कॉम्पिट नंबर 17 जो लिया था उसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। तो पहली बात मैं बात करूँगा कि बहुत से लोगों ने ट्राई किया, रिप्लाई किया, उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर जो एकदम सही है, दैट मीन उनका अप्रोच भी पढ़ रहा था सही है। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आंसर भी गलत है, मतलब उनका अप्रोच गलत होगा। देखते हैं पहले उनका क्या गलत अप्रोच होगा उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। बेसिकली वो लोग क्या सोच रहे हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम, कितना टाइम लगेगा उसको एमपीटी करने में। यहाँ पर प्रॉब्लम ऐसा दिया हुआ है, एक टैंक है जिसका एरिया दिया हुआ, बेस एरिया 3 मीटर स्क्वायर दिया, हाइट उसमें 4 मीटर, वाटर फिल्ड अप है उसमें, एक ओरिफाइस इसके थ्री लिक्विड बाहर आ सकता है, ओरिफाइस का डाय दिया 15 सेंटीमीटर निकालना है। द टाइम रिक्वायर्ड टू एमपीटी द टैंक इज डैश मिनट, कितना टाइम लगेगा उस टैंक को एमपीटी करने का विद द हेल्प ऑफ दिस ओरिफाइस। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो गलत कर रहे हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। वो लगा रहे हैं राइट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज का फॉर्मूला लगा रहे हैं, और वॉल्यूम जो होगा वो ले रहे हैं एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, वॉल्यूम ले रहे हैं, डिस्चार्ज ले रहे हैं एरिया ऑफ ओरिफाइस मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी फ्रॉम द गेट, और ओरिफाइस ले रहे हैं, जो वेलोसिटी ले रहे हैं राइट वेलोसिटी ले रहे हैं अंडर रूट 2gh वेलोसिटी ले रहे हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं, उनका टाइम का वैल्यू यहाँ से आ जा रहा है इन टर्म्स ऑफ मिनट, और ऐसा ये लोग क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। भाई वही दिस इज रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे जो वेलोसिटी जो ले रहे हैं अंडर रूट 2gh वेलोसिटी यहाँ पे लेके पुट कर दे रहे हो, पूरा सॉल्व कर दे रहे हैं, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये वेलोसिटी आपको यहाँ पे नहीं लेना है, या इस टाइप से आपको यहाँ पे नहीं करना है। तो राइट देखते हैं क्यों गलत हुआ, क्या राइट वे ऑफ सोल्यूशन होना चाहिए, क्या राइट आंसर होना चाहिए। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका, देखते हैं यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी निकालता हूँ, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड व्हिच इज कमिंग आउट, अगर यहाँ से वेलोसिटी का निकालना चाहूँ तो ये होता है अंडर रूट 2gh होता है। अगर आप बर्नौली लगाते हो बिटवीन पॉइंट नंबर 1 और 2, अगर आप पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 पे अगर बर्नौली लगाओगे तो उसके हिसाब से आपको मिलेगा ये वेलोसिटी फ्रॉम दिस ओरिफाइस अंडर रूट 2gh। बट ये जो वेलोसिटी होता है अंडर 2gh, ये होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी ये वेलोसिटी जो मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट 2gh, ये होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसको बोलते हैं इंस्टेंट वेलोसिटी। What do we mean by instant velocity? Instant velocity का मतलब होता है ये velocity जो होगा ना इसी particular time पे valid है, after some time, after few seconds, ये velocity valid नहीं होगा। भाई आप देखोगे यहाँ पे जैसे जैसे liquid बाहर आएगा इस टैंक में, जो वाटर का जो लेवल है वो डाउन होते जाएगा, दैट मीन जैसे बात करूंगा जैसे जैसे आपका टाइम का वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा, वैसे वैसे आप बोल सकते हो कि ये जो हाइट है h, सपोज कर इसको मैं h बोल रहा हूँ, ये जो हाइट है वाटर का जो हाइट टैंक के अंदर, वो हाइट जो होगा टाइम के बढ़ने के कारण हाइट रिड्यूस हो जाएगा। बिकॉज जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा लिक्विड बाहर चला जाएगा और वाटर कंटेनर में जो वाटर का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, यानी हाइट का वैल्यू कम हो जाएगा। और आप देख सकते हो वेलोसिटी के फॉर्मूले में अंडर रूट 2gh, जहाँ पे 2 और g कांस्टेंट है, h पे डिपेंड करेगा वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है, h कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या, टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस टाइम पे वेलोसिटी जो है वो सबसे हाईएस्ट अंडर रूट 2gh, आफ्टर द टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा वेलोसिटी रिड्यूस होता जाएगा, कम होता जाएगा, दैट मीन्स वेलोसिटी इज नॉट ए कांस्टेंट, यानी ये वाला वेलोसिटी जो है ये कांस्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू, ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगा। वैसे कंडीशन मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं एनालिसिस करूंगा फॉर स्मॉल टाइम डीटी, राइट फॉर स्मॉल टाइम डीटी, अगर मैं स्मॉल टाइम डीटी के लिए अगर देखूंगा तो कैसे लिख सकता हूँ, एक्जैक्टली मैं ये लगाऊंगा जो आप लगा रहे थे टाइम इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई डिस्चार्ज, मैं भी ये लगाऊंगा टाइम इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड डिस्चार्ज, कॉन्सेप्ट मेरा वही होगा लेकिन मैं स्मॉल टाइम डीटी के लिए कर रहा हूँ, राइट। तो कैसे करूंगा, तो मेरा स्मॉल टाइम डीटी जो हो जाएगा, डीटी टाइम के लिए आप लिख सकते हो, वॉल्यूम लिख सकते हो, हाउ मच वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम जाएगा, तो देखते हैं। जैसे मान लो स्मॉल टाइम डीटी में आपका जो लेवल का फॉल यहाँ पे जो होगा, आपका जो लेवल फॉल होगा वो सिर्फ डीएच लेवल फॉल होगा यहाँ पे, तो मैं डीएच लेवल क्या बोल रहा हूँ, इन स्मॉल टाइम डीटी, स्मॉल टाइम डीटी में आपका जो लेवल रिडक्शन जो होगा लेवल का वो स्मॉल होगा, सिर्फ डीएच होगा, एरिया तो उसका कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू डीएच, इतना लिक्विड जो होगा, इतना लिक्विड जो होगा स्मॉल टाइम डीटी में कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, दैट मीन्स आप यहाँ पे बोल पाओगे एरिया इंटू डीएच, एरिया इंटू डीएच वॉल्यूम, मैंने यहाँ पे वॉल्यूम ही लिखा है राइट, डिवाइडेड बाई डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज कैसे लिखूँ बताना, एरिया मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी, तो एरिया यहाँ पे आप लिख रहे हो राइट, एरिया ऑफ ओरिफाइस ए मल्टीप्लाइड बाई डिस्चार्ज वेलोसिटी अंडर रूट 2gh यहाँ पे लगा दिए, साथ में कोएफिशिएंट डिस्चार्ज दिया हुआ है तो आप यहाँ पे सीडी भी लगा दोगे। अब यहाँ पे एक चीज देखो, आप नोटिस करो, ए तो आप निकाल लोगे, फाइंड आउट कर लोगे, स्मॉल ए कैसे निकाल सकते हो, व्हाट इज द वैल्यू स्मॉल ए, यहाँ लिख रहा हूँ देखो, स्मॉल ए हो जाएगा आपका पाई बाई 4 into dA² हो जाएगा, दैट इज स्मॉल ए हो जाएगा आपका पाई बाई 4 into dA² 0.15 का स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा राइट, इस ओरिफाइस का एरिया हो जाएगा, इसका एरिया जो हो जाएगा इतना हो जाएगा आपके पास, कैपिटल एरिया आपको नोन है यहाँ पे। अब बात करेंगे यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट क्या पुट करोगे इंटीग्रेशन का, ये तो आप पुट कर दोगे फ्रॉम 0 to t, यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन का जो लिमिट होना चाहिए, आप देखो इनिशियली आपको जो लेवल जो है वाटर का हाइट जो है वो h है यहाँ पे, और फाइनली जब पूरा वाटर बाहर आ जाएगा तो लेवल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स आप बोल सकते हो राइट एच से जीरो बोल सकते हो,
एच से जीरो बोल सकते हैं। एक चीज और यहाँ पे आप ध्यान दोगे कि ये जो आपका डीएच जो आ रहा है यानी वाटर का लेवल यहाँ पे फॉल हो रहा है यानी हाइट आपका कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, वैसे कंडीशन में यहाँ पे मैं एक नेगेटिव साइन भी यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो आप इसको इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो कैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी हो जाएगा एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू, देखो एरिया आपका कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन के, सी डी आपका कॉन्स्टेंट दैट इज 0.8, आपका एरिया स्मॉल ए भी आपका कॉन्स्टेंट है, एरिया ऑफ द ओरिफाइस कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2g भी कॉन्स्टेंट है, तो आपके पास इंटीग्रेशन सिर्फ हो जाएगा राइट फ्रॉम एच टू जीरो, राइट नेगेटिव साइन भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, और यह आ जाएगा आपका dh डिवाइडेड बाई रूट एच आ जाएगा, dh डिवाइडेड बाई रूट एच आ जाएगा। तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, और अगर माइनस साइन बैलेंस करेंगे तो आप ये माइनस साइन अगर यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा जीरो से h हो जाएगा, सो फ्रॉम जीरो टू h, तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू h हो गया। इस कंडीशन में आपको सिर्फ क्या करना है, इंटीग्रेट करना है और जीरो टू h लिमिट आपको पुट करना है, तो h का वैल्यू आप कितना पुट कर दोगे, 4 पुट कर दोगे, h का वैल्यू कितना पुट कर, फ्रॉम जीरो टू 4 आप इंटीग्रेट कर दो खाली इसको, यहाँ पे आपको एरिया का वैल्यू नोन है, सीडी का वैल्यू नोन है, ए का वैल्यू नोन है, 2g सब वैल्यूज नोन है, यहाँ पे आप सब इंटीग्रेट करो 0 टू h, इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास ये टाइम का वैल्यू आएगा वो सेकंड में आएगा 191.72 सेकंड आ जाएगा, यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, डिवाइड करो 60 से, तो ये आ जाएगा 3.19 मिनट आ जाएगा, 3.1 मिनट इज द राइट आंसर, ये उसका राइट आंसर होगा। इतना टाइम लगेगा उस टाइम को पूरा पूरा एमपीटी करने में, खाली करने में विद द हेल्प ऑफ दैट ओरिफाइस, उस ओरिफाइस से। लेकिन जो जो लोग रॉन्ग मेथड से बना रहे थे, जो लोग डायरेक्टली ऐसा कर रहे थे टाइम इक्वल टू वॉल्यूम बाय डिस्चार्ज, ये लोग गलत कर रहे थे यहाँ पे, और उसका आंसर भी क्या आ रहा था बताना, कम आ रहा था, 1 point something कुछ आंसर आ रहा था उनका, दैट इज रॉन्ग, वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो आपको ना इस वे में प्रोसीड करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ना सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था वो था कि वेलोसिटी आपका ना इंस्टेंटेनियस है, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस है, वेलोसिटी इज नॉट कॉन्स्टेंट, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है। वेलोसिटी कब कॉन्स्टेंट होता, मानते हैं वेलोसिटी कब कॉन्स्टेंट, अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि ये टैंक मेरा लार्ज टैंक है, वैसे कंडीशन में क्या होगा, राइट जैसे यहाँ पे तो आंसर आ गया है दैट दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस कॉम्बिट, कॉम्बिट का राइट आंसर है, उसके बाद भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान दोगे यहाँ पे। अगर मान लो मैंने ऐसा एज्यूम किया है कि अगर ये जो टैंक है, इफ दिस टैंक इज वेरी लार्ज टैंक, अगर ये टैंक आपका मान लो वेरी लार्ज, अगर बहुत ही लार्ज टैंक है, वैसे कंडीशन में क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरी लार्ज टैंक, वेरी लार्ज टैंक का मतलब होता है कि अगर इसमें से लिक्विड अगर बाहर भी आएगा, वैसे कंडीशन में इसका जो लेवल होगा वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, दैट मींस एच विल रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट, एच हमेशा कैसा होगा आपका कांस्टेंट होगा, अगर एच कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी जो होना चाहिए अंडर रूट 2gh, आपका वेलोसिटी भी ऑलवेज कैसा होना चाहिए, इस लिक्विड का जो वेलोसिटी जो बाहर आ रहा है उसका वेलोसिटी भी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा और वो चेंज नहीं होगा। बट अगर ये तब होगा जब मैं इस टैंक को क्या करता हूँ, वेरी लार्ज एज्यूम करता हूँ तब, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, राइट। लार्ज का मतलब क्या है, इनफाइनाइट वॉल्यूम, लार्ज का मतलब आप बोल सकते हो इनफाइनाइट वॉल्यूम, इसका जो टैंक का जो वॉल्यूम होगा वो कैसा होगा बताना, इनफाइनाइट होगा। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास अगर सी है, राइट, अगर मैं सी से मान लो अगर वाटर निकाल रहा हूँ, बोलूंगा कितना टाइम लगेगा सी को खाली करने के लिए, तो आप क्या बोलोगे, इनफाइनाइट टाइम बोलोगे, वही बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ द सी इज इनफाइनाइट, राइट। सी का जो वॉल्यूम है वो कैसा बताना, इनफाइनाइट है, आप किसी भी रेट से उसमें से वाटर निकाल लो, उसका उसको खाली करने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा, आप उसको खाली नहीं कर पाओगे। दैट मीन्स अगर आपने अज्यूम कर लिया कि उसका टैंक वेरी लार्ज है, उसका इनफाइनाइट वॉल्यूम है ऑलमोस्ट, वैसे कंडीशन में आपका एच कॉन्स्टेंट हो सकता है, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो सकता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे ऐसा था कि इसका जो वॉल्यूम है वो फाइनाइट वॉल्यूम है, इट्स अ फाइनाइट वॉल्यूम, अगर ये फाइनाइट वॉल्यूम है बिकॉज इसका एरिया कॉन्स्टेंट है, हाइट इसका कॉन्स्टेंट, इट्स अ फाइनाइट वॉल्यूम, तो वैसे कंडीशन में आप बोल सकते हो कि ये कभी ना कभी खाली हो जाएगा अगर ये ओरिफाइस से लिक्विड के बाहर आ रहे तो, और टाइम जो लगेगा वो 3.19 मिनट उसका टाइम लगेगा, राइट आंसर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले कॉम्पिट में, थैंक यू।